एवरी वन कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे यूनिट थर्ड ऑफ एंटरप्रीरशिप बिजनेस प्लान एंड प्रोजेक्ट अप्रेशियल बिजनेस प्लान फीचर एंड प्रोसेस बिजनेस प्लान फॉर्मेट प्रोजेक्ट अप्रेशल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट अप्रेशल मैनेजर एंड फंक्शनल प्रोजेक्ट अप्रेशल ऑपरेशनल एंड एनवायरमेंटल ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको धीरे धीरे हम अपने वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने गवर्नमेंट स्कीम्स की थी एंटरप्रीनोरशिप की यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक था वो हमारा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप लोग जाके चेक कर सकते हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जा सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास मिले और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें देखो एक चीज़ क्या करो जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो एक यूनिट को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया करो अब दो टॉपिक यहाँ पे दिए गए हमें बिज़नेस प्लान एंड प्रोजेक्ट अप्रिशियबल दो टॉपिक हमारे दो क्वेश्चन हमसे एक यूनिट के अंदर से पूछे जाते हैं तो हम बिज़नेस प्लान को कवर कर लें उसकी फीचर प्रोसेस फॉर्मेट को कवर कर लें तो एक क्वेश्चन को इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं हमें दूसरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे तीन टॉपिक हम छोड़ सकते हैं तो इस तरीके से हमें फिर अपने जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं तो फर्स्टली हम क्या करेंगे बिजनेस प्लान क्या होता है उसकी फीचर्स क्या होती हैं बिजनेस प्लान इज एन समरी डॉक्यूमेंट दैट आर आउटलाइन हाउ एंड वाई न्यू बिजनेस इज़ बीग क्रिएटेड न्यू एंटरप्र्यूशनल वेंचर्स मस्ट प्रिपेयर फॉर्मल राइटिंग डॉक्यूमेंट टू आउटलाइन देयर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड द मीन्स टू बी एम्प्लॉय टू रीच सेड ऑब्जेक्टिव द बिजनेस प्लान अंडरलाइन द स्ट्रैटेजी दैट नीड टू बी अडोप्टिड इन ऑर्डर टू रीच ऑर्गनाइजेशनल गोल आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड डिवाइज कस्टम सोल्यूशंस फॉर दम एक बिजनेस प्लान क्या होता है समरी होता है एक आउटलाइन होता है देखो प्लान बिजनेस मतलब हम जो काम कर रहे हैं लेन देन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेस हो गया प्लान का मतलब क्या होगा कि एक आउटलाइन तैयार करना कि हम उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे किस तरीके से वो काम करेगा किस तरीके से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं तो एक आउटलाइन रेडी की जाती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के लिए जस्ट लाइक ए समरी समरी से हम तैयार करते हैं फीचर्स ऑफ अ गुड बिजनेस प्लान एग्जीक्यूटिव समरी द एग्जीक्यूटिव समरी फंक्शन एज अ रीडिंग गाइड इट्स हाईलाइट द की एस्पेक्ट ऑफ द प्लान एंड गिव स्ट्रक्चर टू द डॉक्यूमेंट इट मस्ट डिजायर ओनरशिप्स एंड हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एंटायर प्लान डिस्क्राइब्स द मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गनाइजेशन एंड द प्रेजेंट एंड ओप्टिम ओप्टिमिक व्यू अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस एंड कॉन्सेप्ट मतलब ये एक एग्जीक्यूटिव समरी होती है हमारी बिजनेस प्लान की कि हमारा प्रोडक्ट क्या है सर्विसेज़ क्या है हमारा कॉन्सेप्ट क्या है किस तरीके से हमें काम करना है किस तरीके से हम अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं बिजनेस को बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो वो एक एग्जीक्यूटिव समरी होती है हमारे मिशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कि हमारा मिशन क्या रहेगा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ क्या हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे आगे आने वाले next a business description this section presents the mission and vision of an organization business description provides the concept of one place in the market and its benefit to the future customers it may include a key milestone task and assumptions popular known as met big ideas are revended without specific that can be tra traced and fundamental questions to be answered मिशन एंड विज़न स्टेटमेंट्स इंक्लूड की जाती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन रहेगा सारा उसका बिज़नेस का एक डिस्क्रिप्शन रेडी कर दिया जाता है कि भाई किस तरीके से बिजनेस काम करेगा क्या मिशन रहेगा क्या विज़न रहेगा उसके अंदर क्वेश्चन क्या होते हैं हु आर यू वट इज़ द प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड वट आर द डिफ्रेंशिंग करेक्ट्रिस्टिक्स मतलब आप कौन हैं आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या आप प्रोवाइड करवा रहे हो दूसरों से अलग वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैसे हैं वेयर आर द अपॉर्चुनिटीज लोकेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हो उसकी लोकेशन क्या है क्या है उसकी लोकेशन होगी एंड वेन यू वैन विल यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग योर प्लान एंड एस्पेक्ट कैश फ्लो और प्रॉफिट आप अपने प्लान को कब इम्प्लीमेंट करेंगे कब आपका कैश फ्लो होना स्टार्ट होगा और कब आप प्रॉफिट कमाएंगे वाई शुड कस्टमर्स चूज़ योर कंपनी कंपनी को कस्टमर्स क्यों चूज़ करें वाई मतलब क्यों वो पसंद करेंगे आपके प्रोडक्ट को क्या रीज़न रहेगा उस चीज़ के लिए Why should customer choose your company? Customer को क्यों choose करें भाई? उनको differentiate दिखना चाहिए दूसरे company से क्या reason रहेगा उनके product and services को buy करने के लिए How do you plan to run the business in terms of strategy and regularly complaints? आप किस तरीके से अपने business को run करेंगे क्या आपकी strategy रहेंगी क्या आपकी complaints plans रहेंगे किस तरीके से आप अपने business को regularity के अंदर लेके आएंगे? वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं कि हम एक बिजनेस का पूरा डिस्क्रिप्शन डाल देंगे क्या होगा कौन लोग होंगे किस तरीके से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे क्यों लोग आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को लें देन मार्केट स्ट्रेटजी द मार्केट स्ट्रेटजी सेक्शन प्रेजेंट्स द टारगेट कंज्यूमर ग्रुप एंड द स्ट्रेटजी नीडेड टू टैप इनटू इट इट रिक्वायर्स मिटी लोक एनालिस ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ मार्केट सच एज डेमोग्राफी कल्चरल नॉर्म्स इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स रिसोर्स अवेलेबिलिटी प्राइस डिस्क्रिप्शन चैनल एंड एक्सेट्रा मार्केट की स्ट्रेटजी क्या है प्रेजेंट के अंदर हमारी टारगेट कस्टमर्स कौन रहेंगे मतलब हम किन को देख के अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल करवा रहे हैं टारगेट कस्टमर हमारा कौन रहेगा कि भाई जैसे अभी बिलो थर्टी है अबो थर्टी है या फिर और उससे छोटे बच्चे हैं पंद्रह साल से नीचे के क्या कौन रहेगा फिर है हमारे कम्पटेटिव एनालिसिस द दम्पटेटिव एनालिसिस सेक्शन सेम्स टू बी अंडरस्टैंड द एंटायर एंट्री बैरियर्स वन कुल्ड फेस ड्यू टू अदर कंपनीज इन द सेम और कॉम्प्लीमेंट्री सेक्टर द स्ट्रेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी कुल बी कॉर्पोरेटेड इन टू वन स्ट्रेटेजी एंड वीकनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डेवलप्ड साइकिल शुड बी एक्सप्लोटिंग टू गेन एट डिस्टेंटिव एडवांटेजेस कंपिटेटिव एनालिसिस मतलब कि हमारे कम्पिटिशन के अंदर कौन सा बंदा है उनको हम किस तरीके से फेस करेंगे क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं क्या हमारी स्ट्रेंथ है क्या हमारी वीकनेस है हम करेंगे एस डब्ल्यू ओ टी को एनालिसिस स्ट्रेंथ वीकनेस थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी मतलब हमारे कंपटीशन के अंदर जो बंदे हैं वो हमारी स्ट्रेंथ हैं वीकनेस हैं क्या हमारे लिए थ्रेट रहेगा क्या हमारे लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो लोग हमारे कंपटीशन के अंदर जो बंदे हैं वो चीज़ें जो नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं वो हम प्रोवाइड करवा के अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं कुछ यूनिक ले कर आके तो वो हम सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि हमारे लिए कंपिटेटिव एडवाटेजेस क्या रहेंगी स्ट्रेंथ वीकनेस थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट है डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लान इट आउटलाइन द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स डेवलपमेंट साइकिल विद इन रियल मी ऑफ प्रोडक्शन इन द स्पेयर ऑफ सर्कुलेशन इट फोकस ऑन द मार्केटिंग एंड द ओवरऑल बजट रिक्वायर टू रीच ऑर्गनाइजेशन ऑब्जेक्टिव उसके बाद डिजाइन किया जाता है और एक प्लान डेवलप किया जाता है कि भाई हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं उसके ऊपर पूरा फोकस कि इस ऑब्जेक्टिव को हम एक स्ट्रेटजी बना के एक प्लान बना के एक आउटलाइन तैयार करके हम इस ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से अचीव कर सकते हैं तो एक डिज़ाइन बनाना एक आउटलाइन तैयार करना प्रोडक्शन के लिए और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपना एक बजट तैयार करने के लिए कि हमारा ये बजट है इस बजट के अकॉर्डिंगली हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लान्स नेक्स्ट है ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट प्लान द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट प्लान डिस्क्राइब द साइकिल ऑफ बिजनेस फंक्शन

और किस तरीके से हम मार्केट के अंदर सर्वाइवल और ग्रोथ को फिक्स कर सकते हैं हमारी हर जिसे के अंदर इंक्लूड किया जाएगा भाई मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगी हर की क्या रहेगी इंप्लॉयज़ को हम किस तरीके से रिक्रूट करेंगे ऑपरेशनल फंक्शंस को किस तरीके से करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा कैपिटल किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्सपेंसि डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड अदर जो हमारी कैपिटल्स हैं एंड एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब चीज़ों को हम चेक करेंगे कि हमारी मैनेजमेंट प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है ऑपरेशंस के अंदर नेक्स्ट है फाइनेंशियल फैक्टर द फाइनेंशियल सेशन शुड इंक्लूड द कंपनीज बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो प्रोजेक्शन फाइनेंशियल डाटा इज इम्पेक्टिव टू प्रोवाइड क्रेडिबिलिटी टू एन ऑफ क्लेम्स मेड अबाउट द फ्यूचर प्रोबेबिलिटी ऑफ द बिजनेस the एम इज़ टू प्रोवाइड an एक्यूरेट डाटा ऑफ द कंपनी वैल्यू एंड एबिलिटी टू bear ऑपरेशनल cost एंड अर्न प्रॉफिट्स उसके बाद हम अपने सारे फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखेंगे कि हमारी बैलेंस शीट क्या है कितना हमारे पास कैश इनफ्लो आ रहा है कितना हमारे पास कैश जा रहा है हमारे क्रेडिबल बंदे कौन हैं कौन हमें क्लेम कर रहे हैं पैसा हमसे मांग रहे हैं कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो सब चीज़ें हम देखेंगे कि हमारे फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या क्या हैं सारी चीज़ें कंपनी की वैल्यू कितने हैं ऑपरेशनल कॉस्ट हमें कितनी लग रही है हम उसके अकॉर्डिंगली फिर हम प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं तो सारे हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करके देखेंगे कंपनी बैलेंस शीट कैश फ्रॉ प्रोजेक्शंस ऑल दीज थिंग्स वट आर थ्री मेन पर्पज़ ऑफ बिजनेस प्लान बिजनेस प्लान को बनाने के लिए क्या क्या मेन पर्पज़ रहेंगे हमारे पास तीन मेन पर्पज़ हैं एक बिजनेस प्लान को बनाने के लिए टू सर्व एज अ रोड मैप फॉर अचीविंग द बिजनेस गोल एक रोड मैप मतलब एक डायरेक्शन बताने के लिए एक ओवरऑल समरी बताने के लिए एक ओवरऑल ये बताने के लिए कि आप किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं हम बिजनेस प्लान को बनाते हैं टू एक्ट फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एक्टर एक्ट फंडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भैया में कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत है उस सब चीज़ के लिए एंड टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग फॉर बिज़नेस परफॉर्मेंस ओवर टाइम एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाने के लिए एक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए हम बिज़नेस प्लान्स को रेडी करते हैं उसके लिए हमें नीड है उनकी इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है कि बिज़नेस प्लान क्या होता है उसके क्या क्या फीचर्स होंगे और क्यों जरूरी है बिज़नेस प्लान को बनाना वो हमने अपने आज की के वीडियो के अंदर कवर किया है अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ डी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंजॉय योर लाइफ